हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आर लेक्चर नंबर सेवन क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ओके तो आई थिंक आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ याद भी हो गई होंगी अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो उसमें हमने टॉपिक छोड़ा था कि ये जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस होती हैं वाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं क्यों शो करते हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले काइनेटिक एक थ्योरी uh, है काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर ठीक है उसको डिस्कस करते हैं और यू कैन से द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ओके देखो मैटर क्या है मैटर आपका थ्री स्टेट्स में है थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है दिस इज द सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके तो ये सभी क्या हैं ये सभी स्टेट्स क्या हैं चाहे इधर इट इज़ अ सॉलिड और इट इज़ अ लिक्विड और इट इज़ अ गैस ये सभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं ठीक है जैसे कि आपके पार्टिकल्स से मतलब है मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं ठीक तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो होते हैं दे आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन ठीक है दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन दैट मीन्स अगर ये कॉन्टीन्यूअस मोशन में हैं दैट मीन्स दे पजस काइनेटिक एनर्जी अगर कोई भी चीज़ ये मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो देन इट प्रजेंस द काइनेटिक एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर पार्टी जिनसे मिलकर मैटर बने हुए होते हैं तो इनके बीच में इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स भी अप्लाई होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में होती है फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन क्लियर तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है सो so, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटर पार्टिकल फ़ोर्स भी बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ठीक है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंट्स टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको होल्ड करके रखती है एक दूसरे के साथ ओके okay. और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है uh, ये जो फोर्स ऑफ या इंटर पार्टिकल फोर्स है इट होल्ड्स इट टेंट टू होल्ड द पार्टिकल्स टूगेदर एंड कंट्रोल देअर मूवमेंट इनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है ओके okay, जैसे कि अगर ये इंटरपार्टिकल फोर्स जो होती है इंटरपार्टिकल फोर्स अगर मैक्सिमम हो पार्टिकल्स के बीच में तो वो क्या होंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो क्या होंगे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे क्लोज क्लोज़ होंगे बहुत ज़्यादा और एज अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेज और जब ये जो डिस्टेंस होती है यानी कि पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगी भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होंगे पार्टिकल्स क्लियर लेकिन अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं दैट मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो कम है ओके okay. तो जो मूमेंट होता है पार्टिकल्स का या जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की इट कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर आ या फिर कूलिंग द मैटर आप उसको हीट करके या कूल cool करके आप उसकी पार्ट काइनेटिक एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं या मूवमेंट को आप उसकी चेंज कर सकते हैं पार्टिकल की मूवमेंट को सो वी कैन नाउ से दैट द दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो ये भी फिजिकल स्टेट्स हैं ये सभी uh, इन्हीं से एक्सप्लेन होती हैं तो अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिस जो है या डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ, अगर मिनिमम है तो वो किस में होगा ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो दैट मीन्स वो क्या हैं आपके सॉलिड हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है या स्पेस होता है वो मिनिमम होता है ठीक है मिनिमम स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ठीक है और इनसे ज़्यादा सॉलिड uh, के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होता है मतलब मिनिमम जो स्पेस होता है उससे ज़्यादा होता है लिटिल मोर होता है किस में लिक्विड्स में लिटिल मोर इन लिक्विड्स और मैक्सिमम किस में होगा मैक्सिमम स्पेस मैक्सिमम स्पेस गैसेस में होगा ठीक है इन गैसेस तो ये समझ में आया जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं अगर हम इसको एक रफ डायग्राम के थ्रू देखें तो हमें कैसे इसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज़ली पैक्ड होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं एक दूसरे से ओके okay? इस तरीके से और अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स देखते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है लेकिन ज़्यादा क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते हैं लेकिन अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं तो ये ये कुछ एक रफली डायग्राम मैंने आपको बताया कि मिनिमम स्पेस किस में है आपका सॉलिड्स में है और लिटिल मोर किस में है आपका लिक्विड्स में है और मैक्सिमम स्पेस किस में है आपका गैसेस में है ठीक है लिक्विड्स और एंड आर द गैसेस अब दूसरी चीज़ देखें फ़ोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो हम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की बात कर रहे थे फोर्स ऑफ एट्रेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉगेस्ट किस में होगा सॉलिड में होगा ऑब्वियसली सॉलिड में होगा इसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम होगा ठीक है और यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एंड लेस स्ट्रॉन्ग होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठीक है और गैसेस में हम उसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं ना के बराबर नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर दैट मीन्स कि पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है नेग्लिजिबल ओके okay. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये इसकी स्ट्रक्चर होगी सॉलिड लिक्विड और गैसेस की अब हम देखें मूवमेंट पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट देखें या फिर हम काइनेटिक एनर्जी देखें पार्टिकल्स की तीनों में कंपेयर करें तो जो मूवमेंट है या काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो सॉलिड में मिनिमम होगी काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम इन सॉलिड ठीक है और लिक्विड्स में उससे ज्यादा होगी मोरिन लिक्विड्स काइनेटिक एनर्जी ठीक है और यहां क्या होगी यहाँ मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस ओके तो ये एक काइनेटिक थ्योरी है मैटर की जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड और गैसेस ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं क्लियर हुआ जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस होती हैं जो इन पार्टिकल से बने हुए होते हैं ठीक है और ये कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं देट मीन्स दे पजेस काइनेटिक एनर्जी और इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं ओके okay, तो अगर हम स्पेस की बात करें इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है मिनिमम होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा स्पेस होता है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है उसी तरीके से अगर हम आ, इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करें तो इसके बीच में स्ट्रोंगेस्ट होती है इसके बीच में कुछ कम होती है और यहाँ नेकलिसबल ना के बराबर होती है काइनेटिक थ्योरी की बात कर काइनेटिक uh, एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल्स के पास मिनिमम होती है ठीक है यहाँ उससे कुछ ज़्यादा और यहाँ पर मैक्सिमम होती है गैसेस में क्लियर तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे दैट इज़ वाई सॉलिड एंड लिक्विड शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से ये जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस हैं ये सभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं क्लियर